शांति, ओम शांति, ओम शांति। 4/7/2021 प्रातः मुरली, ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज है 30/1/88 मधुबन। हिम्मत का दूसरा कदम सहनशीलता, ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी। आज ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप अपनी पहली श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। पहली रचना ब्राह्मणों की रचना है। उसकी पहली रचना में भी पहला नंबर ब्रह्मा को ही कहेंगे। पहली रचना का पहला नंबर होने के कारण ब्रह्मा को आदि देव कहा जाता है। इसी नाम से इस आबू पर्वत पर यादगार भी आदि देव नाम से ही है। आदि देव अर्थात आदि रचता भी कहा जाता, और साथ साथ आदि देव अर्थात नई सृष्टि के आदि का पहला नंबर देव है। पहली देवात्मा श्री कृष्ण के रूप में ब्रह्मा ही बनते हैं। इसलिए नई सृष्टि के आदि का आदि देव कहा जाता है। संगम युग में भी आदि रचना का पहला नंबर अर्थात आदि देव कहो वा ब्राह्मण, आत्माओं के रचता ब्रह्मा कहो। तो संगम पर और सृष्टि के आदि पर दोनों समय के आदि हैं, इसलिए आदि देव कहा जाता है। संगम में भी शुरुआत इनसे और सतयुग में भी शुरुआत इनसे ही होती है, है ना। तो देव इनसे देव भी यही फर्स्ट प्रिंस जो कृष्ण बनता है सतो प्रधान अवस्था में, कर्मातीत अवस्था को सबसे पहले प्राप्त करता। तो यही आदि में भी पहला नंबर और संगम पर भी पहला नंबर। ब्रह्मा ही आदि कर्मातीत फरिश्ता बनता है। ब्रह्मा सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। ब्रह्मा सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। सब में नंबर वन। ऐसा नंबर वन क्यों बने? किस विधि से नंबर वन सिद्धि को प्राप्त किया? आप सभी ब्राह्मण आत्माओं को ब्रह्मा को ही फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? इसका पहला कदम समर्पण तक। और यह तो पहले सुनाया है, पहले कदम में भी सब रूप से समर्पण बन के दिखाया। दूसरा कदम सहनशीलता। पहला समर्पणता, दूसरा सहनशीलता। तो ये दो कदम पहले ही बता चुके। पहले कदम में भी सब रूप से समर्पण बन के दिखाया। तो जब समर्पण हुए तो बाप से सर्वश्रेष्ठ वर्षा तो मिला, लेकिन दुनिया वालों से क्या मिला? बाप से तो वर्षा मिला, दुनिया वालों से क्या मिला? सबसे ज्यादा गालियों की वर्षा। किस पर हुई? चाहे आप आत्माओं को भी गालियां मिली या अत्याचार हुआ, लेकिन ज्यादा क्रोध व गुस्सा ब्रह्मा को ही मिलता रहा। इन्होंने जितना सहन किया उतना किसी ने भी नहीं किया, क्योंकि बाकी जो भी ब्राह्मण आत्माओं को बाबा का ज्ञान मिला, बाबा का जो भी मिला, वो सब तो कहना चाहिए कि पका पकाया मिला, है ना। मेहनत नहीं करनी पड़ी, इन्होंने तो सब कुछ मेहनत करके ही इतना सब कुछ आगे बढ़ाया। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो गालियां हैं इनको ही सुननी पड़ी, है ना। ब्राह्मण आत्माओं को तो कहना चाहिए कि गालियां इस तरह से कुछ मिला नहीं। तो कहना
कि अत्याचार हुए लेकिन ज्यादा क्रोध व गुस्सा जो है ब्रह्मा को ही मिलता रहा। लौकिक जीवन में जो कभी एक अपशब्द भी नहीं सुना, लौकिक जीवन में जब तक इन्हों का जीवन लौकिक परिवार में था तब तक इन्होंने एक अपशब्द भी नहीं सुना, लेकिन ब्रह्मा बना तो अपशब्द सुनने में भी नंबर वन रहा। सबसे ज्यादा सर्व के स्नेही जीवन व्यतीत की, लेकिन जितना ही लौकिक जीवन में सर्व के स्नेही रहे उतना ही अलौकिक जीवन में सर्व के दुश्मन रूप बने। बच्चों के ऊपर अत्याचार हुआ तो स्वतः ही इनडायरेक्ट बाप के ऊपर अत्याचार हुए, लेकिन सहनशीलता के गुण से व सहनशीलता की धारणा से मुस्कुराते रहे, कभी मुरझाए नहीं, है ना। भल कितनों ने भी मारने भी आए, तलवारें निकली और लोगों ने बुरा भला कहा। वरिष्ठ दादियां जब बाहर जाती थी तो उनको दादियों को देख करके विडो महिला समझ करके अंदर घुस जाते थे, अपशगुन कहते थे, गालियां देते थे कि जादू करता है और इस तरह से हमारे घर परिवार को तोड़ता है, सबको भाई बहन बना देता है, ना जाने क्या क्या पढ़ेंगे तो कितना कुछ आंख से पानी आ जाए। इतना सब कुछ इन्होंने सहन किया, गालियां खाए, मार भी कहना चाहिए मारने भी लोग आए, तो इनडायरेक्टली जो है एक तरह से बाबा के ऊपर ही यह सब आया। तो बाबा कहते हैं इस तरह से इन्होंने इनडायरेक्ट बाप के ऊपर अत्याचार हुए, लेकिन इनके अंदर जो सहनशीलता और सहनशीलता की धारणा से सदा मुस्कुराते रहे, मुरझाए नहीं। कोई प्रशंसा करे और मुस्कुराए तो इसको सहनशीलता नहीं कहते, है? कोई प्रशंसा करे और मुस्कुराए तो फिर उसको सहनशीलता थोड़ी कहते। बाबा कहते लेकिन दुश्मन बन क्रोधित हो, अपशब्दों की वर्षा करे, ऐसे समय पर भी सदा मुस्कुराते रहना। संकल्प मात्र भी मुरझाने का चिन्ह चेहरे पर ना हो, इसको कहा जाता है सहनशील। और परमात्मा मिलना, परमात्मा का मिलना अर्थात जो हम जब तप व्रत करके भूख से तड़पते हैं, आत्मा को तड़पाते हैं, जो दर दर भटकते हैं दर्शन करने के लिए, जो देवी देवताओं के मंदिरों में विराजमान जड़ चित्रों की व दर्शन के लिए हम जो परेशान होते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं और आत्मा को हम कष्ट पहुंचाते हैं भूख प्यास जप तप करके, उससे भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। जो इस संसार में आप ये ज्ञान में आने के बाद में जो दुनिया वाले आपको बुरा भला कहते हैं उसको सहन करने के लिए बाबा कहते हैं, तब आपको भगवान की प्राप्ति होती है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जो है अंदर से मुस्कुराना और बाहर से मुस्कुराना, ये दोनों में भी फर्क है ना। तो क्रोधित हो, सहन कर लिया, सहन कर लिया लेकिन थोड़े समय के लिए, फिर अंदर मन में तो कचोटते रहे अपने आप को कि नहीं करना था सहन। तो सहन करना अर्थात अंदर बाहर से एक स्थिति में रहना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से क्रोधित हो, अब शब्दों की वर्षा करे, ऐसे समय पर भी सदा मुस्कुराते रहना, संकल्प मात्र भी मुरझाने का चिन्ह चेहरे पर ना हो, इसको कहा जाता है सहनशील। दुश्मन आत्मा को भी रहम दिल भावना से देखना, बोलना, संपर्क में आना, इसको कहते हैं सहनशीलता। स्थापना के कार्य में, सेवा के कार्य में कभी छोटे कभी बड़े तूफान आए, बहुत बड़े भी आए कभी छोटे भी आए, तो जैसे यादगार शास्त्रों में महावीर हनुमान के लिए दिखाते हैं कि इतना बड़ा पहाड़ भी हथेली पर एक गेंद के समान ले आया, ऐसे कितनी भी बड़ी पहाड़ समान समस्या हो, तूफान हो, विघ्न हो, लेकिन पहाड़ अर्थात बड़ी बात को छोटा सा खिलौना बनाए खेल की रीति से सदा पार किया, व बड़ी भारी बात को सदा हल्का बनाए, स्वयं भी हल्की रहे और दूसरों को भी हल्का बनाया। निश्चय जो था
कि हमें क्या मिलेगा इन सब चीजों को सहन करके, हमें विश्व पर राजाई प्राप्त होगी। और जैसे ही साक्षात्कार हुआ, वैसे ही सब लोक लौकिक जो है स्थूल साधनों को बिल्कुल सब कुछ परवान गए, अर्थात सब कुछ परमात्मा परमार्थ में लगा दिया। 300 बच्चों की पालना, 350 बच्चों की पालना, दिन रात नंबर वन का खाना खिलाना, उनको सुबह में उठाना, रात में उनको लोरिये गा के सुलाना, जागो मोहन प्यारे और जागो लाडलो बच्चों, ऐसे करके अच्छे अच्छे गीत सुना करके उनको नंबर वन का भोजन दे करके उनको अपने स्थूल धन का पूरा उसमें लगा करके सबको सुख देना। हाँ, तो इस तरह से सबका पालना करना, तो इस तरह से सब कुछ अपना जीते जी दान कहना चाहिए, परमार्थ के उसमें लगा दिया है ना बच्चों को, क्योंकि यही बच्चे जो विश्व में शांति स्थापना करने के लिए है। तो फिर इन बच्चों को तो उस तरह से पालना भी देनी होगी ना, क्योंकि भविष्य का निर्माण जो है वो बच्चों के द्वारा ही होना है। तो बाबा कहते इस तरह से खुद को भी हल्का और बाकी सबको भी हल्का, हल्के बने रहे और दूसरों को भी हल्का बनाए, इसको कहते हैं सहनशीलता। छोटे से पत्थर को पहाड़ नहीं लेकिन पहाड़ को गेंद बनाया, विस्तार को सार में लाया, विस्तार को समेटना सार में लाए, और यह है सहनशीलता। विघ्नों को, समस्या को अपने मन में व दूसरों के आगे विस्तार करना, अर्थात पहाड़ बनाना है, लेकिन विस्तार में ना जाए, नथिंग न्यू के फुल स्टॉप से बिंदी लगाए, बिंदी बन आगे बढ़े, इसको कहते हैं विस्तार को सार में लाना। सहनशील श्रेष्ठ आत्मा सदा ज्ञान योग के सार में स्थित हो, ऐसे विस्तार को, समस्या को, विघ्नों को भी सार में ले आती है, जैसे ब्रह्मा बाप ने किया। जैसे लंबा रास्ता पार करने में समय शक्तियां समाप्त हो जाती, अर्थात ज्यादा यूज होती, ऐसे विस्तार है लंबा रास्ता पार करना और सार है शॉर्टकट रास्ता पार करना। पार दोनों ही करते हैं, लेकिन शॉर्टकट करने वाले समय और शक्तियों की बचत होने के कारण निराश नहीं होते, दिल शिकस्त नहीं होते, सदा मौज में मुस्कुराते पार करते हैं, इसको कहा जाता है सहनशीलता। सहनशीलता के शक्ति वाला कभी घबराएगा नहीं कि क्या ऐसा भी होता है क्या। सदा संपन्न होने कारण ज्ञान की याद की गहराई में जाएगा, घबराने वाला कभी गहराई में जाए नहीं सकता। सार वाला सदा भरपूर होता है, इसलिए भरपूर संपन्न चीज की गहराई होती है। विस्तार वाला खाली होता है, इसलिए खाली चीज सदा उछलती रहती है। तो विस्तार वाला यह क्यों, यह क्या, ऐसे नहीं, वैसा, ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसे संकल्पों में भी उछलता रहेगा और वाणी में भी सबके आगे उछलता रहेगा। क्या, क्यों, कैसे, कहां, मैं, यही तो भूत है ना। तो इस तरह से वो खुद भी उछलेगा और संकल्पों के में, संकल्पों में भी, और फिर वाणी से भी उछलता रहेगा। तो और जो हद से ज्यादा उछलता है तो क्या होगा, हांफता रहेगा, है ना। स्वयं की उछलता, स्वयं ही हांफता और स्वयं ही फिर थकता। मान लीजिए किसी ने आपको कुछ कहा तो वो तो कह करके चला गया, लेकिन आपने जो अंदर मन में उसे एक कहना चाहिए घाव के समान अंदर ही अंदर उसे बार बार रिपीट करने से वह तो आपको अंदर ही अंदर खोखला करेगा ना। चिंता के ऊपर जो बिंदी होती है यदि उसे हटा दो तो क्या होगा, तो चिंता चिता समान हो जाती है। और व्यर्थ के संकल्प से ही तो आपकी हेल्थ वेल्थ बिगड़ती है। तो इस तरह से जो है हाफता और स्वयं ही फिर थकता भी है ना। मन से थका तो बुद्धि और संस्कार दोनों बदले,
आत्मा ही तो थकती है ना, आत्मा में ही जब व्यर्थ चलता है तो फिर आत्मा में ही थकान होती है ना, शांत चित्त नहीं होता है। अशांत चित्त होने से आपका मन जो है यहाँ वहां भटकने से, व्यर्थ संकल्प में चलने से थकावट जरूर बहुत अधिक होती है। तो इस तरह से सहनशील इन सब बातों से बच जाता है, इसलिए सदा मौज में रहता, उछलता नहीं उड़ता है। हल्की लाइट, आत्मा लाइट है ना, हल्का रहना है ना, लाइट माना हल्का। दूसरा कदम सहनशीलता, सहनशील और सहनशीलता, यह ब्रह्मा बाप ने चल करके दिखाया। सदा अटल अचल सहज स्वरूप में मौज से रहे, मेहनत से नहीं। अटल सदा अटल अचल सहज स्वरूप में मौज से रहे, मेहनत से नहीं। इसका अनुभव 14 वर्ष तपस्या करने वाले बच्चों ने किया। 14 वर्ष महसूस हुए या कुछ घड़ियां लगी, मौज से रहे या मेहनत लगी। वैसे स्थूल मेहनत का पेपर भी खूब लिया, कहां नाज से पलने वाले और कहां गोबर के गोले भी बनवाए, मैकेनिक भी बनाया, चप्पल भी सिलवाए, मोची भी बनाया ना, माली भी बनाया, लेकिन मेहनत लगी या मौज लगी। सब कुछ पार किया लेकिन सदा मौज की जीवन का अनुभव रहा। जो मुझे वह भाग गए और जो मौज में रहे वह अनेकों को मौज के जीवन का अनुभव करा रहे हैं। अभी भी अगर वही 14 वर्ष रिपीट करें तो पसंद है ना। अभी तो सेंटर पर अगर थोड़ा सा स्थूल काम भी करना पड़ता है तो सोचते हैं, इसलिए हाँ सोचते हैं ना, तो इसलिए सन्यास किया। क्या हम इस काम के लिए हैं? हाँ, तो मौज से जीवन जीना, इसको ही ब्राह्मण जीवन कहा जाता है। चाहे स्थूल साधारण काम हो, चाहे हजारों की सभा बीच स्टेज पर स्पीच करनी हो, दोनों मौज से करें। ऐसा नहीं कि स्पीच की बारी आई तो आपका लौकिक नाम का मान सम्मान शान बढ़ेगा, नाम फेम होगा, तो फिर उसके लिए आपने जो है अंदर से खुशी दिखाई तो उसे मौज नहीं कहेंगे, है ना। मौज चाहे बर्तन धोने की हो, चाहे सेंटर में झाड़ू लगाने की हो, और चाहे स्टेज पर खड़े होकर बाबा के ज्ञान का स्पीच देने की बात हो, दोनों में ही मौज में रहना। तो इस तरह से स्पीच करनी हो चाहे कुछ और काम करना हो तो दोनों मौज से करें, इसको कहा जाता है मौज की जीवन जीना। मुझे नहीं, हमने तो समझा नहीं था कि सरेंडर होना अर्थात यह सब करना होगा। हाँ, ऐसे कई कई मनुष्य आत्माएं समझते, तो मैं तो टीचर बनकर आई हूँ, स्थूल काम करने के लिए थोड़े ही सन्यास किया है, क्या यही ब्रह्म कुमारी जीवन होती है? इसको कहते हैं मूंझने वाली जीवन। ब्रह्म कुमारी बनना अर्थात दिल की मौज में रहना, ना कि स्थूल मौजों में रहना। हाँ, तो दिल की मौज से किसी भी परिस्थिति में किसी भी कार्य में मूंझने को मौज में बदल देंगे, और दिल के मूंझने वाले श्रेष्ठ साधन होते भी, स्पष्ट बात होते भी, सदा स्वयं मूंझे हुए होने के कारण स्पष्ट बात को भी मूंझा देगा। अच्छे साधन होते हुए भी साधनों से मौज नहीं ले सकेंगे, यह कैसे होगा? हाँ, तो ऐसा नहीं, ऐसा होगा, इसमें खुद भी मूंझेगा दूसरे को भी मुंझा देगा। जैसे कहते हैं ना, सूत मुंझ जाता है तो मुश्किल ही सुधरता है ना। कोई धागा उलझ जाता है, पतला धागा, तो वो मुश्किल से ही सुधरता है ना। तो अच्छी बात में भी मुंझेगा तो घबराने वाली बात में भी मुंझेगा, क्योंकि वृत्ति मुंझी हुई है। तो मन मुंझा हुआ है तो स्वतः ही वृत्ति का प्रभाव दृष्टि पर, और दृष्टि के कारण सृष्टि भी मूंझी हुई दिखाई देगी। इन आंखों से आपको कौन से नजारे देखना है?
इस प्रकृति के सुंदर नजारे देखना है या इस प्रकृति के जो खराब नजारे देखना है, आपकी दृष्टि जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति। तो जैसा आप जिसमें विशेषता देखेंगे तो आपका ही कल्याण है ना। इस तरह से जो है मन मूंझा हुआ है तो स्वतः ही वृत्ति का प्रभाव दृष्टि पर और दृष्टि के कारण सृष्टि भी मूंझी हुई दिखाई देगी, है ना, कंफ्यूज में कंफ्यूजन हो जाता है। तो ब्रह्म कुमारी जीवन अर्थात ब्रह्मा बाप समान मौज की जीवन, लेकिन इसका आधार है सहनशीलता। तो सहनशीलता की इतनी विशेषता है, इसी विशेषता के कारण ब्रह्मा बाप सदा अचल अटल अचल रहे। दो प्रकार के सहनशीलता के पेपर सुनाए। पहला पेपर लोगों द्वारा अपशब्द व अत्याचार, यज्ञ की स्थापना में भिन्न भिन्न आए हुए विघ्न। तीसरा कई ब्राह्मण बच्चों द्वारा भी ट्रेटर होना व छोटी मोटी बातों में असंतुष्टता का सामना करना। लेकिन इसमें भी सदा असंतुष्ट को संतुष्ट करने की भावना से, परवश समझ सदा कल्याण की भावना से, सहनशीलता की साइलेंस पावर से हर एक को आगे बढ़ाया। सामना करने वाले को भी मधुरता और शुभ भावना शुभ कामना से सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। जो आज बोल जो आज सामना करता और कल क्षमा मांगता, उनके मुख से भी यही बोल निकलते बाबा तो बाबा है। इसको कहा जाता है सहनशीलता। सहनशीलता द्वारा फेल को भी पास बनाए विघ्न को पास करना तो दूसरा कदम सुना। किस लिए कदम पर कदम रखो, इसको कहा जाता है फॉलो फादर अर्थात बाप समान बनना। बनना है यह सिर्फ दूर से देखना है, बहादुर होना पंजाब महाराष्ट्र दोनों ही बहादुर हो, सब बहादुर हैं, देश विदेश के सभी अपने को महावीर कहते हैं। किसी को भी प्यादा कहा तो मानेगा हा? तो इससे सिद्ध है कि सभी अपने को महावीर समझते हैं। महावीर अर्थात बाप समान बनना, समझा? अच्छा, देश विदेश के सर्व बाप समान सदा बुद्धि से समर्पित आत्माओं को सदा हर परिस्थिति में हर व्यक्ति से सहनशील बनकर हर बड़ी बात को छोटा कर सहज पार करने वाले, सदा विस्तार को सार रूप में लाने वाले, सदा ब्राह्मण जीवन मौज की जीवन जीने वाले, ऐसे बाप समान बनने वाले महावीर श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का समान भाव के स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते स्वीकार कीजिए। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। पार्टियों से मुलाकात, कुमारों से, कुमारों की विशेषता क्या है? कुमार जीवन श्रेष्ठ जीवन है क्योंकि पवित्र जीवन है और जहां पवित्रता है वहां महानता है। कुमार अर्थात शक्तिशाली, जो संकल्प करे वह कर सकते हैं। कुमार अर्थात सदा बंधन मुक्त बनने और बनाने वाले, ऐसी विशेषताएं हैं ना, जो संकल्प करो वही कर्म में ला सकते हो। स्वयं भी पवित्र रह औरों को भी पवित्र रहने का महत्व बता सकते हो। ऐसी सेवा के निमित्त बन सकते हो जो दुनिया वाले संभव असंभव समझते हैं, वह ब्रह्म कुमार चैलेंज करते हैं। तो हमारे जैसा पावन कोई हो नहीं सकता, क्योंकि क्योंकि बनाने वाला सर्वशक्तिमान है। दुनिया वाले कितना भी प्रयत्न करते हैं लेकिन आप जैसे पावन बन नहीं सकते। आप सहज ही पावन बन गए, सहज लगता है ना। कुमारों की परिभाषा ही है चैलेंज करने वाले, परिवर्तन कर दिखाने वाले।
जिस तरह से असंभव को संभव करने वाले तो दुनिया वाले अपने साथियों को संग के दोष में ले जाते हैं और आप बाप के संग में ले आते हो। कितने महान हो गए, उन्हें अपना संग नहीं लगाते, बाप के संग का रंग लगाते हो, बाप समान बनाते हो, ऐसे हो ना। अच्छा, दूसरा कुमार अर्थात सदा अचल अडोल, कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन डगमग होने वाले नहीं, क्योंकि आपका साथी स्वयं बाप है। खुदा दोस्त कौन है, बाप है हा? तो इस तरह से जहाँ बाप है वहां सदा ही अचल अडोल होंगे, जहाँ सर्वशक्तिमान होगा वहां सर्वशक्तियां होंगी, सर्वशक्तियों के आगे माया कुछ कर नहीं सकती। इसलिए कुमार जीवन अर्थात सदा एक स्थिति वाले, हलचल में आने वाले नहीं। जो हलचल में आता है वह अविनाशी राज्य भाग्य भी नहीं पा सकता, थोड़ा सा सुख मिल जाएगा लेकिन सदा का नहीं। इसलिए कुमार जीवन अर्थात सदा अचल एक स्थिति में स्थित रहने वाले, तो एक स्थिति द्वारा अनुभव करने वाले इसको कहते हैं एक अर्थात अचल अडोल। ऐसा एक स्थिति वाला बच्चा ही बाप को प्यारा लगता है। तो यही सदा याद रखना कि हम अचल अडोल आत्मा एक स्थिति में रहने वाली हैं। माताओं से पहला, माताओं के लिए बाप दादा ने सहज मार्ग कौन सा बताया है जिससे सहज ही बाप की याद का अनुभव कर सको, मेहनत ना करनी पड़े। तो याद को भी सहज बनाने का साधन क्या है, दिल से कहो मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। दिलाराम बाप को दिल से याद करना, तभी दिल देंगे तो दिल लेगा, है ना। इस तरह दिल से कहो मेरा बाबा, जहां मेरा कहते हो वहां सहज याद आती है। सारे दिन में जो मेरा है वही याद आता है ना, तो कोई भी मेरा हो, चाहे व्यक्ति चाहे वस्तु, जहां मेरापन होगा वही याद आएगा। ऐसे यदि बाप को मेरा कहते हो तो मेरा समझते हो तो बाप ही याद आएगा। तो बाप को याद करने का सहज तरीका क्या है, सहज तरीका है दिल से कहो मेरा बाबा। सिर्फ मुख से मेरा मेरा नहीं करना है, अधिकार से कहना है मेरा बाबा, मेरा साथी, मेरा साजन, मेरा सर्वस्व, सारे संबंध उस परमात्मा के साथ। मेरा बाबा सिर्फ मुख से नहीं, अधिकार से कहना, यही सहज पुरुषार्थ कर आगे बढ़ते चलो। सदा ही इस विधि से सहज योगी बनो, मेरा कहो और बाप के खजानों के मालिक बनो। देखिए कितना सहज बाबा हम जो है बहनों को, माताओं को बाबा इतना सहज रीति बताते हैं कि दिल से कहो मेरा बाबा और बाबा दौड़ा चला आता है। दूसरा, माताएं सदा अपने को पद्मा पदम भाग्यवान समझती हो, हाँ जन्म से भाग्य ले आने वाले हैं हम, तो घर बैठे बाप मिला तो कितना बड़ा भाग्य है। वाह बाबा वाह, वाह तेरा ड्रामा, वाह वाह बाबा वाह, तो कितना बड़ा भाग्य है। दुनिया वाले बाप को ढूंढने के लिए निकलते हैं और आपको घर बैठे मिल गया, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। सॉरी, तो ऐसे कभी संकल्प में भी सोचा था, नहीं सोचा था ना बाबा। यह जो गायन है घर बैठे भगवान मिला, यह किसके लिए है, आपके लिए है ना, तो इसी श्रेष्ठ भाग्य को
स्मृति में रख, आगे बढ़ते चलो, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। यह खुशी के गीत गाते रहो, खुशी के झूले में झूलते रहो, खुशी में नाचो गाओ। ऊपर से नहीं, पैर के थिरकने की बात बाबा नहीं कह रहे, अति इंद्रिय सुख, अति इंद्रिय खुशी के झूले में झूलने की बात कह रहे हैं। तीसरा बाबा ने कहा, शक्तियों को सदा कौन सी खुशी रहती है, सदा बाप के साथ कंबाइंड हूं, मैं अकेली नहीं हूं, मैं शिव शक्ति हूं, मैं दो हूं, मैं मेल या फीमेल नहीं हूं, मैं शिव की शक्ति, शिव की संतान हूं। तो शिव शक्ति का अर्थ ही है कंबाइंड, बाप और आप दोनों को मिलाकर कहते हैं शिव शक्ति। तो जो कंबाइंड है उसे कोई अलग नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसी खुशी रहती है, निर्बल आत्मा को बाप ने शक्ति बना दिया, तो यही सदा याद रखो कि हम कंबाइंड रहने के अधिकारी बन गए। पहले ढूंढने वाले थे और अभी साथ साथ रहने वाले हैं, यह नशा सदा रहे। कितना भी माया कोशिश करे लेकिन शिव शक्ति के आगे माया कुछ कर नहीं सकती। अलग रहते हो तो माया आती है, कंबाइंड रहते हो तो माया कुछ कर नहीं सकती, कंबाइंड रहो तो माया आ नहीं सकती। तो यही वरदान सदा याद रखना कि हम कंबाइंड रहने वाली शिव शक्तियां विजयी हैं। अच्छा, आज का वरदान बाबा ने दिया, कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भव। सभी समस्याओं का मूल कारण कनेक्शन लूज होना है। जिस तरह से हम मोबाइल का बैटरी चार्ज करने के समय यदि थोड़ा भी उसमें कनेक्शन ठीक से नहीं बैठा तो बैटरी चार्ज नहीं होती, इसी तरह से यदि आप परमात्मा से सही कनेक्शन नहीं रखेंगे, सही रीति आत्मा निश्चय कर उस परमात्मा के साथ में कनेक्ट नहीं रहेंगे, तो फिर जो है आप ठीक तरीके से नहीं बैठेगा तो लूज हो जाएगा कनेक्शन। तो सिर्फ कनेक्शन को ठीक कर दो तो सर्व शक्तियां आपके आगे घूमेंगी। यदि कनेक्शन जोड़ने में एक दो मिनट लग भी जाता है तो हिम्मत हार कर कंफ्यूज ना हो जाओ, निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं। मैं बाबा का, बाबा मेरा, इस आधार से फाउंडेशन को पक्का करो तो समस्या मुक्त बन जाएंगे। बाबा कई बार हमारे जो 63 जन्मों के कर्म विकर्म हैं तो वो ही आपके साथ में जो सुख दुख आते हैं तो वो साथ साथ चलते हैं। सुख दुख इस संसार में तो जो है इस पराये राज्य में, इस रावण राज्य में, इस माया की नगरी में तो ये है ही, साथ चलता ही है। तो वह कोई भगवान का दिया नहीं है, वह तो आपको ही हिसाब किताब चुक तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है, निश्चय रखना है ना, तो तभी फिर आपका जो है इस आधार से फाउंडेशन को पक्का करो तो समस्या मुक्त बन जाएंगे कि मैं बाबा का और बाबा मेरा। आज का स्लोगन बाबा ने दिया, बीज रूप अवस्था में स्थित रहना, यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। बीज रूप अवस्था में स्थित रहना यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। और बीज रूप में स्थित रहना बहुत अच्छा बीज मंत्र है कि आप सुबह से रात तक यही रिपीट करते रहें, मैं और मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा, बस मैं लाइट
और वो सुप्रीम लाइट, मैं और मेरा बाबा सदा एक साथ, परछाई बनकर, बाबा मेरे साथ, मैं बाबा के साथ, इस तरह से सदा एक साथ ही रहते हैं। कहीं भी रहे, कहीं भी जाएं, लेकिन बाबा मेरा साथी बनकर सदा मेरे साथ रहता है। आज बाबा की याद में बहुत प्रेम के आंसू अब स्वतः ही निकल आते हैं। जब बाबा को दिल से बहुत याद करो तो ये अश्रुधारा यूं ही निकल आती है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपने कोटों में कोई कोई में भी कोई हम आत्माओं को विशेष आत्मा चुना, हमें ईश्वरीय परिवार दिया, विश्व एक परिवार की परिभाषा बताई। हम इन छोटे छोटे परिवार को ही अपना परिवार समझते थे। आपने हम आत्मा भाइयों को भाई भाई कहा और आपने यह राज समझाया कि हम विश्व एक परिवार है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।